सबसे पहले जरा इस मिस्टीरियस ब्लू ग्लो को देखिए। जानते हो ये क्या है? वेल, बैकग्राउंड में आपको जो नजारा दिख रहा है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर का है, जिसमें फिजन रिएक्शन चल रही है। और ये चमकदार रोशनी और कुछ नहीं बल्कि लाइट से स्पीड ट्रेवल करने वाले मैटर को रिप्रेजेंट कर रही है। जी हाँ, लाइट की स्पीड से भी तेज। What? अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूफ करने वाला हूँ कि मैटर स्पीड ऑफ लाइट को बीट कर सकता है, और वो भी यहाँ पृथ्वी के अंदर। और हाँ, यहाँ मैं सैलमन भाई की तरह आइंस्टाइन या न्यूटन के किसी नियम को नहीं तोड़ूंगा, बल्कि सब कुछ फिजिक्स के अंदर रहकर ही होगा। लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको पता है कि लाइट की स्पीड एक्चुअल में होती कितनी है? बहुत ईजी है ना? वेल, आपको पता है तो नीचे कॉमेंट में जाकर अभी लिखो, वीडियो पॉज करके। लिख दिया ना? वेल, आई एम श्योर कि आपका जवाब होगा 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर आप कुछ ज्यादा ही फिजिक्स को घोल कर पी चुके हो तो आपका जवाब होगा 29,97,492 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, ये यूनिवर्स की फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड है, पर एक पॉइंट जो हम इस दौरान मिस कर देते हैं वो ये है कि लाइट की ये स्पीड सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल है। अब जब लाइट रेज पानी, हवा या ग्लास से होते हुए गुजरती है तो इनकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब उस समय लाइट की स्पीड यूनिवर्स की फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड नहीं रह जाती, और यही मौका होता है जब हम लाइट को उसी के खेल में बीट कर सकते हैं। अब देखो, हवा में गुजरते समय लाइट की स्पीड करीब 0.03% कम हो जाती है। अब ये सुनने में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, पर वहीं हम पानी या ग्लास की बात करें तो इसकी स्पीड में 25% तक का ड्रॉप देखने को मिलता है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? नाउ इमेजिन करो कि आप खाली रोड पर मस्त तेज स्पीड से कार चला रहे हो और अचानक से रास्ते में बिखरी हुई रेत आ जाती है। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी स्पीड काफी कम हो जाएगी, और रेत से निकलने के बाद कुछ समय के लिए आप पहले वाले स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाओगे, और इसका क्लियर रीजन है रेजिस्टेंस। इस टर्म को आपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में तो जरूर पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस वो शक्ति होती है जो किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोकती है, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स जब हम अपने मन के करियर को चुनते हैं। खैर, रेजिस्टेंस लाइट की स्पीड को स्लो डाउन करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, पर इस एग्जांपल से हम लाइट के बिहेवियर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। द रीजन बिहाइंड दिस इज, जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में वापस आता है वो इंस्टेंटली अपनी ओरिजिनल स्पीड पर आ जाती है। मतलब कि अगर मान लो कि अगर दो साइड पर वैक्यूम है और बीच में पानी है, तो जैसे ही लाइट वैक्यूम से होते हुए वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन फिर जैसे ही लाइट वाटर से वापस वैक्यूम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड इंस्टेंटली ओरिजिनल वाला मीटर पकड़ लेगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइट रेजिस्टेंस के कारण नहीं बल्कि मीडियम के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन के कारण स्पीड को स्लो करती है? नाउ इन दैट केस, जैसे ही वो मीडियम से बाहर निकलती है वो इंस्टेंटली अपनी स्पीड को मेंटेन रख पाएगी। अब चलो इसे भी थोड़ा विजुअली एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं कि वैक्यूम से एक लाइट रे वाटर में एंटर होती है। अब ये लाइट रे वाटर के पार्टिकल से कोलाइड करती है और जिगजैग मोशन करते हुए फिर से बाहर वैक्यूम में निकल जाती है। अब देखो, ऐसे में लाइट का काफी ज्यादा समय जिगजैग मोशन करने में चला गया होगा और उसके कारण उसकी ओवरऑल स्पीड कम हो गई होगी। पर यहाँ पर ग्लिच ये है कि अगर लाइट मीडियम के पार्टिकल से कोलाइड कर रही है तो उसे चारों तरफ से निकलना चाहिए, जो कि रियलिटी में देखने को नहीं मिलता। अब लाइट के इस स्ट्रेंज बिहेवियर को समझने के लिए हमें इसके अंदर एक डीप डाइव लगानी होगी। अब देखो दोस्तों, लाइट बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसमें दो टाइप्स की फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेट कर रही होती है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक अनोखा रिश्ता होता है जिसके बारे में आपने अपने फिजिक्स के बुक्स में तो जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने बुक खोलकर देखी थी तो। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब चेंजिंग और क्रिएशन का यही सिलसिला लगातार चलता ही रहता है, और इन दोनों फील्ड्स की जुगलबंदी से जन्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब दोस्तों, एक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट की स्पीड कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि इन दोनों फील्ड्स की जुगलबंदी कितनी सक्सेसफुल हो पा रही है।
अब देखो वैक्यूम में इन फील्ड्स को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, इसीलिए यूनिवर्स इन्हें अपने फुल स्पीड पर आगे बढ़ने का मौका देता है। लेकिन फिर जैसे ही लाइट वाटर में एंटर करती है तो इसकी बदलते हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का असर वाटर के मॉलिक्यूल्स पर भी होता है और वो भी इन पर अपना असर डालने लगते हैं और इसके कारण पानी में रहते हुए लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन देखो वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा डाला गया प्रभाव परमानेंट नहीं होता। अब जैसे ही लाइट पानी की पकड़ से बाहर आती है इसकी दोनों फील्ड फिर से बिना रोक टोक के अपनी जुगलबंदी शुरू कर देती है और लाइट अपनी अल्टीमेट स्पीड पर आ जाती है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था वाटर और ग्लास में लाइट अपनी 25% तक स्पीड को कम कर देती है, यानी कि यहाँ पर यह अपनी ओरिजिनल स्पीड की 75% स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है। अब देखो इतनी स्पीड से तो हम पार्टिकल्स को ट्रैवल करा ही सकते हैं और चाल से ही सही, लेकिन लाइट की स्पीड को बीट भी कर सकते हैं। अब चलो मैं आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ले चलता हूँ जहाँ यूरेनियम के फिजन रिएक्शन हो रही है। अब इस दौरान यूरेनियम छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है और इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और रेडिएशन रिलीज होते हैं और साथ ही साथ इससे निकलता है एक इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन वाटर से होते हुए गुजर रहा है, ऐसे में ये अपने नेगेटिव चार्ज के प्रभाव में वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन को अपनी तरफ कर देता है। लेकिन फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन वाटर से पास हो चुका होगा वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही समय पर अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन पर लौटेंगे और इसी दौरान वो मिस्टीरियस ब्लू ग्लो प्रोड्यूस होता है जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये ब्लू ग्लो हमें हमेशा नजर नहीं आता, ये केवल तभी नजर आता है जब वाटर के बीच से गुजरते इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट को बीट कर रही हो। यानी कि इसे आप सोनिक बूम के एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जब कोई बुलेट या फिर कोई जेट प्लेन साउंड की स्पीड के बैरियर को तोड़ता है तो हमें सोनिक बूम सुनाई देता है और ठीक वैसे ही जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को ब्रेक करता है तो हमें ब्लू ग्लो दिखाई देता है। इस फेनोमेना को फोटोनिक बूम कहते हैं और ऐसे हमारा पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को बीट करने में सक्सेसफुल होता है। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमें इस फेनोमेना के बारे में पता कैसे चला, मतलब यार कौन ही वो इंसान होगा जिसने इतना तेज दिमाग लगाया होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका क्रेडिट जाता है सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट पेवेल श्रेंकोव को, जिन्होंने साल 1934 में सर्गेई वाविलोव के साथ मिलकर मॉस्को के लेवेदेव इंस्टीट्यूट में इसे एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया था और इसी के कारण इस फेनोमेना को श्रेंकोव रेडिएशन कहा जाता है। साल 1958 में पावेल श्रेंकोव को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि ये खोज हमारे सामने यूनिवर्स का एक नया द्वार खोलती है। अब दोस्तों अपने एक पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रिनोस के बारे में बताया था, ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो नियर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। हर सेकंड अनगिनत न्यूट्रिनोज हमारे बॉडी से होते हुए निकल जाती है पर हम उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। रीजन ये है कि न्यूट्रिनोज किसी भी दूसरे पार्टिकल से इंटरैक्ट ही नहीं करता, लेकिन अपनी फास्टर देन लाइट स्पीड के कारण ये श्रेंकोव रेडिएशन को जरूर एमिट करता है और बस यही दिमाग वैज्ञानिकों ने दौड़ाए और बना दिए बड़े बड़े डिटेक्टर्स जहां से गुजरते हुए न्यूट्रिनोज के कुछ पार्टिकल्स तो 100% पकड़े ही जाते हैं। अब देखो आज अगर हम न्यूट्रिनोज के एग्जिस्टेंस के बारे में एक्सपेरिमेंटली जानते हैं तो इसके पीछे पावेल श्रेंकोव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके यूजेस यहीं पर नहीं रुकते। हमारी बॉडी में रेडियो आइसोटोप्स की इमेजिंग के लिए भी हम श्रेंकोव रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और तो और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में भी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका ही यूज होता है। नाउ होपफुली आने वाले समय में हम स्पीड ऑफ लाइट को बीट करने वाले इस इनक्रेडिबल फेनोमेना और इसके यूजेस को और भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और हमारी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करते जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।